प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। आज के वचन के अध्ययन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस अनुग्रह वचन से ज्वलनशील बने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु की शरण में आए। धुन, उत्साह या फिर ज्वलन हमारे अंदर है तो हम हर दिन अपनी आत्मिकता को बढ़ा सकते हैं और प्रभु ने हमें जिस कार्य के लिए बुलाया है उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्वलन हमारे अंदर से खत्म हो जाती है तब हमारे विश्वास, आत्मिकता और हमारे ऊपर उत्तम स्वर्ग के बुलाहट को और हमारी जिम्मेदारियों में परिवर्तन आ जाता है। ज्वलन खत्म हो जाने के कारण यहूदियों को दो बड़ी पराजय हुई। जो हमने वचन पढ़ा उसके 13वें वचन में लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। परमेश्वर ने इसराइलियों को फसह मनाने के लिए सारे नियम बताए। तब वहाँ कहा गया था, यहोवा का फसह का पर्व इस प्रकार मनाना। और जब ज्वलन खत्म हो गई, उत्साह खत्म हो गया, तब समय बीत जाने पर वो यहूदियों का फसह का पर्व कहा जाने लगा। उसी प्रकार परमेश्वर का भवन किस लिए होता है, उसे भूलकर अपने उत्साह को नष्ट कर वे अपने अपने व्यापार के लिए यहोवा के भवन का उपयोग करने लगे। यीशु जब ज्वलन के साथ परमेश्वर के भवन में आराधना करने गए तब उन्होंने देखा कि बैल, भेड़, कबूतर बेचने वाले और शराफों को बैठे हुए पाया। और ये सब देखकर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ क्या किया। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और यीशु मसीह की इसी ज्वलन को हम यूहन्ना की पुस्तक 9वां अध्याय 4वें वचन में पढ़ सकते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और यीशु के साथ यूहन्ना भविष्यवक्ता भी ज्वलनशील था। यूहन्ना के बारे में यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 35वें वचन में लिखा है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। धुन या फिर ज्वलन के बारे में हम बोले तो प्रेरित पौलुस भी पीछे नहीं था। मरने का डर नहीं, विश्राम किए बिना किनारा हो या फिर समुंदर, धरती हो या पहाड़, किसी भी समय कहीं भी प्रभु के वचन का सुसमाचार सुनाने निकलता था। रास्तों में या समुंदर के बीच में या तूफान के बीच में पौलुस बिना किसी भय के वचन को दृढ़ थामे खड़ा था। मरने से पहले तक प्रभु के वचन को थामे रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल मृत्यु ही उसकी ज्वलन को नष्ट करने पाई। प्रभु के प्रिय दास जो कि आज प्रभु में सो रहे हैं, जॉन वेस्ली बहुत ही उत्साहित और ज्वलनशील व्यक्ति थे। उसी उत्साह और ज्वलन को प्रकट करने वाले उनके वचन थे। उन्होंने कहा, प्रभु को असीम प्रेम करने वाले और पाप के अलावा किसी और से भय ना खाने वाले 100 लोग मुझे मिल जाए तो दुनिया भर में मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। इक्वाडोर में प्रभु के लिए अपने खून का साक्षी देकर मरने वाले जिम एलियट प्रभु के दास को बड़ा ही ज्वलनशील बनाने वाला एक वचन था, इब्रानियों की पुस्तक उसका 1वां अध्याय 7वां वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहा जाता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। इस वचन को आधार बनाकर अपनी डायरी में उन्होंने इस प्रकार लिखा, प्रभु यदि मुझे धधकती आग बनाना है तो मुझसे इस डर को दूर करें और धधकती आग में मैं जल सकूं, उसके लिए आत्मिक तेल से मेरा अभिषेक करें। तेरे भवन की ज्वलन मुझे निगल जाएगी कहने वाली भी आत्मा मुझ में बसती है। प्रभु आप मुझे उस अग्नि ज्वाला का ईंधन बनाइए। इसलिए प्रियो, जब प्रभु में हमारी ज्वलन समाप्त हो जाती है तो हमारे प्रेम में, हमारी बुलाहट में भंग पड़ जाता है। इसलिए इन वचनों के आधार पर हम ज्वलनशील बने, प्रभु के लिए प्रकाशमान हो के तेल से भरे हुए दीपक के समान जल के प्रकाशितमान हो। प्रभु आपका ये दिन अनुग्रहित करें। आमीन।